स्वामी जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। मैं बीजापुर कर्नाटक से आई हूँ। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो। स्वामी जी, मैं आपसे 19 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपने सोलापुर में फर्स्ट कैंप किया था, उस वक्त बहुत बड़ा कैंप हुआ था। फिर मैं हुबली में एक दिन का कैंप किया, बीजापुर में एक दिन का कैंप किया। हुबली में भी हमारे भाई शंकेश्वर जी ने किया था, और बेंगलोर में भी मैं क्लासेस लेती हूँ योगा का। क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरे को तो फायदा ही फायदा हुआ, क्या बोलूँ क्या छोड़ू, समझता नहीं गुरुजी। पहली बात तो मेरा माइग्रेन, सिर दुखना, बहुत सिर दुखता था मेरा, बहुत दुखता, बहुत बहुत की मैं कि इतना दुखता था कि वो उसको भी जोर लगा के बोलना पड़ता है। नहीं, मैं मेरे बेटे को बोलती थी कि मेक मारो, यहाँ पर मेक से, हथौड़ी से मेक मारो मेरे। राम राम राम, इतना दर्द होता, इतना सिर दुखता था मेरा। फिर मैं वो सिर दुखने की वजह से मैंने टेंथ में मार्क्स कम लिए, बीए में मार्क्स कम लिए मैंने। बचपन से दुखता था, बचपन का सिर दुखना गया। मैं लो, बचपन का सिर दर्द खत्म हो गया, पढ़ाई में भी पूरा नहीं कर पाती थी, हमेशा सिर ही दुखता रहता था। इतना मुझे तकलीफ होती थी, मैं कुछ तो सुसाइड कर लू, इतना। अरे राम, अरे। फिर मुझे वो सब सिर दुखना कम हो गया, फिर मैं बहुत उम्मीद आने लगी जीने में बाद में मुझे। और एक बड़ी बात स्वामी जी, मेरे दांत गिर गए थे, दांत आ रहे हैं, 3 दांत यहाँ पर अब आ रहे हैं। मैं सतत प्राणायाम करती हूँ। दांत आ रहे, दांत आ रहे इधर है, कहाँ दांत आ रहे? यहाँ के दांत। अभी कुछ सफेद सफेद दिख तो रहे। 65 साल के नजीक अब दांत, 65 साल में दांत आ रहे। ये जोरदार, बच्चों को तो नए दांत आते हैं। ये क्या नाम है? उमा पांडे। उमा तो नई, ये तो बच्चों की तरह नए दांत आ। और क्या क्या फायदा हुआ? और क्या फायदा, मैं बाल तो झड़ रहे थे, बाल भी कम हो गए हैं झड़ने का। अच्छा, बाल अब आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ गुरुजी, आपके जैसा सतत काम करती हूँ, जिसे मिले उसे मैं सब योगा ही योगा बताती हूँ, मेरे घर में बताती हूँ, सतत काम करती। मैं टीचर थी गुरुजी, मेरे स्कूल में सभी स्टूडेंट को मैंने योगा सिखाया है। क्या बात है, ये बात का मजा। हाई स्कूल टीचर थी, योगा मेरे को देखकर सभी योगा करते, और मेरे को सभी बोलते हैं कि रामदेव की बहन हो, एकले बोलते हैं माँ हो, एकले बोलते हैं नहीं बेटी हो। मुझे सिर्फ आपके वजह से ही सभी पहचानते हैं, मेरी वजह से पहचानते। हाँ। क्या बात है उमा, देखो रामदेव की बहन आ रही है। हाँ, ऐसा ऐसे ही बोलना सबको, मैं रामदेव की बहन भी हूँ, रामदेव मेरे से बड़ी है, तो इसलिए बड़ी तो बहन बराबर ही होती है, तो मैं रामदेव की माँ भी हूँ और बोले शिष्य हूँ, इसलिए बेटी भी हूँ। मैं अगले जन्म में तो आपकी, आपका बेटा मुझे होगा या नहीं, मैं बहन होंगी कुछ तो। मैं जन्म जन्मों का हमारा रिश्ता है, अभी भी आगे भी रहेगा। चलो खुश रहो। और अब मैं और आखिरी एक बात बोलती हूँ गुरुजी, अब मुझे मौत आई तो भी कुछ गम नहीं, क्योंकि आखिरी इच्छा थी कि आपसे मिलने की, नजदीक से बातें करने की, मिलने की, अब कुछ भी इच्छा नहीं बची, कुछ भी इच्छा नहीं बचा। चलो भाई, उमा के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो, तृप्त हो गया जीवन में।